सॉफ्टवेयर किस हाय से सर, बनवा रहे हैं? ये राउंड पे का कहाँ से? अच्छा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो अच्छा ठीक एडमिन है। चलाता है। एडमिन के पास अथॉरिटीज़ होती हैं सारी चीज़ों के लिए, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के लिए। ये हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। आपको पूरा सॉफ्टवेयर दिख रहा है यहाँ पे, जो भी आपके मेंबर का रजिस्ट्रेशन होगा सब एडमिन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपका यूज़र कितने हैं आपको दिखाई देंगे, एपीआई यूज़र कितने हैं ये आपको दिखाई देगा, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं ये आपको दिखाई देगा, डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं ये आपको दिखाई देगा, उनके पास बैलेंस कितना है ये आपको फ्रंट पे दिखाई देगा, कितने ऑनलाइन यूज़र लॉगिन कर रखे हैं ये आपको दिखाई देगा, आपको कैलेंडर दिखाई देगा किस आईपी एड्रेस से लॉगिन हुआ है आपको ये दिखाई देगा। यूज़र क्रिएशन पे आएंगे हम, यहाँ से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन आपको उसको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एपीआई यूज़र, कस्टमर केयर, सब एडमिन जो बनाना है आप यहाँ से उसको बना लेंगे। कमीशन टाइप दो तरीके से देते हैं, एक तो हम फ्लैट कमीशन देते हैं, दूसरा वेरिएबल ठीक कमीशन है, ये देते हैं। पेमेंट आपको 50 मिनट क्या जब हम होगा? फ्लैट कमीशन देंगे तब हम सारे ऑपरेटर पे उस रिटेलर को एक कमीशन देंगे, भेज दिया जब हम वेरिएबल भेज कमीशन दिया। देंगे तो अलग अलग ऑपरेटर पे अलग अलग सॉरी कमीशन चार देंगे। डॉट इन है मोबाइल नंबर, ना, चार ईमेल डॉट आईडी, कांटेक्ट सिटी उसका एरिया डाल के, कैपिंग अमाउंट अगर आपने 100 रुपये डाल दिया तो उस रिटेलर का 100 रुपये हमेशा आपके पास ठीक है रहेगा। सर। तो हम आपने आपको आपको लाते यहाँ पे जो चाहिए फ्लैट चार कमीशन फोटो देना आ रहे है हैं, उसमें आप फ्लैट ऐसे ऐसे कमीशन भेज दे देंगे। देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम उसको कमीशन रेट असाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद हम आते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र पे। हमें फ़ंड ट्रांसफ़र जिसको करना है यहाँ से हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर देंगे। उसकी प्रोफाइल एडिट करनी है, हम यहाँ से उसकी प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हैं। हमें उसका नाम एडिट करना है, उसका कैपिंग अमाउंट एडिट करना है, उसकी इंट्रोड्यूसर आईडी एडिट करनी है। इंट्रोड्यूसर आईडी क्या होती है सर, कि कोई भी रिटेलर अगर किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में है, उसको किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में करना है, तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूटर की इंट्रोड्यूसर आईडी यहाँ से हम चेंज कर देंगे, तो वो रिटेलर उसके दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में हो जाएगा। ठीक है सर, उसके समझ बाद गया। हम फंड ट्रांसफ़र पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया फ़ंड ट्रांसफ़र, हमको उस रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टली फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ से उसको फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रीपेड और यूटिलिटी दोनों के लिए अलग अलग वॉलेट बने होते हैं। ट्रांसफ़र करना है तो उसको हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर देंगे। डेबिट करना है तो हम उसके अकाउंट से हम ले भी लेंगे। ठीक है, रिचार्ज रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। रिचार्ज रिपोर्ट पे क्लिक करके हम उसकी मेंबर आईडी, उसका आउटलेट नेम, रिचार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, सक्सेस है फेल है, कितने बजे आया और कितने बजे वो सक्सेस हो गया ये आपको दिखाई देगा, किस एपीआई पे गया अरे या लापू पे वो गया पहुंच ये जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। मशीन कितना ही दूर है तो यहाँ से मशीन डिस्प्यूट हमें भी यहाँ लगा से के हम यहाँ पहुंचा से क्लियर देगा। कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। आप जो डेटा है ये 20, 50, 100 आपको जितना चाहिए यहाँ से सक्सेस कर सकते हैं। आपको हाँ, मेंबर आईडी एटलीस्ट। चाहिए, ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए, रिचार्ज नंबर से अच्छा चाहिए, अच्छा ठीक ऑपरेटर आईडी चाहिए, यहाँ है, पे तो हम सर्च एक मार बार सकते हैं। उनसे बात स्टेटस कर पे आप लेते क्लिक हैं, करेंगे वो आपको सक्सेस ज़्यादा पेंडिंग बेटर फेल, डिसीजन मैनुअल लेंगे सक्सेस, क्योंकि मैनुअल हम फेल यहाँ सॉफ्टवेयर से हम देखते हैं कर सकते हैं। तो हम आपको सेलेक्ट सॉफ्टवेयर ऑपरेटर का पे क्लिक एक्सेस करेंगे, हमको सबसे ऑपरेटर वाइज ज़रूरी सर्च है। करना है, ऑपरेटर वाइज सर्च कर लेंगे। हमारे पास 3-4 API लगी हैं तो हम API वाइज भी सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ से एक्सेल फाइल भी उसकी ठीक डाउनलोड है ठीक है ठीक है, हम कर आपको बात सकते कर हैं। लेते हैं। यहाँ से हम मैसेज क्रेडिट डेबिट, अगर किसी को मैसेज देना है तो मैसेज भी दे पाएंगे। पेंडिंग रिचार्ज अगर दिखा रहा है, किसी के पास पेंडिंग रिचार्ज है, तो यहाँ पे पेंडिंग रिचार्ज का हम स्टेटस भी हमें शो हो जाएगा। एपीआई वाइज हमें पेंडिंग देखना है, ऑपरेटर वाइज पेंडिंग देखना है, यहाँ से हम ऑपरेटर वाइज या एपीआई वाइज भी पेंडिंग देख सकते हैं। अब हम आते हैं पहले फंक्शन में जिसका नाम है यूज़र मैनेजमेंट। उसमें यूज़र लिस्ट हमें देखनी है, हमारे नीचे कितने डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, उनका रोल क्या हाँ, है हमें दिखाई दे रहा है। मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे मैं कितने पढ़ लोग रहा हैं हूँ यहाँ कि पे एक क्लिक बार करके फिर हम से उसके कर नीचे लीजिए का वो सारे आप। फंक्शंस देख सकते हैं। फिर यूज़र मैनेजमेंट में चेंज मोबाइल नंबर, किसी भी यूज़र का मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है तो उसका मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। सो मेंबर पासवर्ड, किसी भी यूज़र का हमें पासवर्ड देखना है, हम उसका पासवर्ड देख लेंगे। ऐड मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर हमें हम किसी भी रिटेलर के 3 से 4 मोबाइल नंबर तक रजिस्टर कर सकते हैं। वो सारे मोबाइल नंबर से रिचार्ज करेगा और रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन एक जो रजिस्टर नंबर होगा जिस पे हम बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं वो नंबर यहाँ से दिखेगा। मेंबर डिटेल पे क्लिक करेंगे, हमें मेंबर की सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, स्लैब एंट्री। स्लैब एंट्री में एपीआई कमीशन स्लैब, हमने जिसको जिसको एपीआई दी है, हम अलग अलग यूज़र को अलग अलग एपीआई दे सकते हैं और अलग अलग एपीआई पे अलग अलग ऑपरेटर पे अलग अलग कमीशन सेट कर सकते हैं। हम अलग अलग एपीआई दे सकते हैं, अलग अलग एपीआई के अलग अलग ऑपरेटर पे अलग अलग कमीशन हम यहाँ से
सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम API एक बना लेंगे और हमें जो जो API जिस यूज़र को देनी है वो API हम उस यूज़र को दे देंगे। चैनल कमीशन स्लैब, यहाँ से हम एक चैनल बना लेंगे। हमने यहाँ से एक चैनल बना लिया, हमें यहाँ पे मनी नाम से एक चैनल बना लिया, हमें उस पर जो कमीशन जिस ऑपरेटर पे देना है यहाँ पे हम असाइन कर देंगे। फिर सर फिर हम यूज़र लिस्ट पे जाएंगे, एक यूज़र बनाने के बाद उसका प्रोफाइल एडिट करेंगे। हमें यहाँ पे वेरिएबल कमीशन देना है, वेरिएबल कमीशन यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे हमें जिस पे जो देना है यहाँ पे वो स्लैब बन जाएगी, वो स्लैब यहाँ पे हम असाइन कर देंगे। यहाँ पे फ्लैट असाइन है तो यहाँ पे फ्लैट असाइन हो जाएगी। ऑलरेडी यूज़र बना हुआ है। हम आएंगे API कॉन्फ़िगरेशन में, हम रिचार्ज की API ऐड कर सकते हैं। हम 3 से 4 API ऐड करके रखते हैं। हमें जो रिचार्ज जिस API से कराना है हम वो रिचार्ज उस API से करा लेंगे। देखिए हमारे पास 3 API और 1 SRS का मतलब होता है लापू ऐड है, तो हम हमारे रिचार्ज जो है 2 API और 1 लापू से चलेंगे। API स्विचिंग पे गए, हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटर किसी API से स्विच मारना है तो हम वो पर्टिकुलर ऑपरेटर किसी API से स्विच मार देंगे, तो वो ऑपरेटर उस API से होगा। हमने अगर तीनों पे स्विच मार दिया कि दोनों API और लापू से हो तो तीनों पे रैंडमली रिचार्ज जाएगा। SMS की प्रीफिक्स हमें सेट करना है। SMS की प्रीफिक्स होता है कि रिचार्ज प्रीफिक्स क्या है, यूज़र अकाउंट बनाते समय क्या मैसेज जाए। हम यहाँ पे यूज़र वाइज API स्विचिंग, दो तरीके से API स्विचिंग होती है। एक तो आपने API स्विचिंग डायरेक्ट कर दी तो वो API जिस ऑपरेटर पर स्विच होगी वो ऑपरेटर उस API से चलेगा। यूज़र वाइज का मतलब है आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग ऑपरेटर पे अलग अलग API स्विच कर सकते हो, ठीक है। एडमिन लेज़र देखना है, पूरा लेज़र आपको दिखाई दे जाएगा क्या लेज़र है। एडमिन डे बुक देखना है, एडमिन का पूरा डे बुक आपको दिखाई दे जाएगा। एडमिन API डे बुक देखना है, आपको यहाँ पे एडमिन का API डे बुक दिखाई दे जाएगा। रिचार्ज डिटेल में यूज़र लेज़र, यूज़र का पूरा लेज़र आपको दिखाई दे जाएगा, उसका ओपनिंग बैलेंस, उसका वॉलेट परचेज कितना है, वॉलेट ट्रांसफ़र कितना है, उसका मेंबर ID वाइज आपको सर्च मारना है, ट्रांजेक्शन ID वाइज सर्च मारना है, मार लेंगे। डेट वाइज आपको सर्च करना है तो यहाँ पे डेट वाइज भी उसको आप सर्च मार सकते हैं और उसकी एक एक्सेल फाइल यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमीशन डिटेल देखना है, किस ऑपरेटर पे कितना कमीशन आया है, यहाँ पे आप कमीशन डिटेल डेट वाइज भी कमीशन डिटेल उसका देख सकते हैं। रिचार्ज डिटेल देख सकते हैं। सारी रिपोर्ट्स अलग अलग प्रॉपर वे में हैं, कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत ही नहीं होती। आराम से अलग पर डे की रिपोर्ट्स आपको अलग अलग जनरेट हो जाती हैं। रिचार्ज बाई SMS से कितने रिचार्ज हैं उसका डेटा आपको निकालना है। इनकमिंग मैसेज क्या आया है, अदर मैसेज रिपोर्ट पे आप जाएंगे तो किस कौन सा मैसेज आया है, किस रिटेलर को जा रहा है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम सेटिंग में आपको सेम नंबर पे सेम अमाउंट कितनी देर तक ना हो, मिनिमम फंड ट्रांसफ़र की लिमिट, मैक्सिमम फंड ट्रांसफ़र की लिमिट यहाँ पे आप सेट कर लेंगे। तो ये हमारा एडमिन पैनल है जो एडमिन चलाता है, बहुत ईजिली तरीके से चलता है। फिर हम आते हैं सीधे रिटेलर पैनल पे। जो रिटेलर पैनल होगा उसका कुछ लुक ऐसा होगा, रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए जो पैनल है वो ऐसा होगा। हम अगर कोई नंबर डालते हैं, देखिए हमने BSNL का नंबर डाला, ऑपरेटर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया और उस पर क्या ऑफ़र चल रहा है यहाँ पे आपको शो हो गया। पोस्ट पेड का क्या है, DTH का क्या है, लैंडलाइन का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है यहाँ पे दिखाई देगा। रिचार्ज रिपोर्ट हमें देखनी है, हमें यहाँ से रिचार्ज रिपोर्ट देख लेंगे, ठीक है। लेज़र हम देख सकते हैं, रिफ़ंड स्टेटमेंट कितना है, अगर हमने कोई डिस्प्यूट लगाया है तो उसका हमें स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ से हम रिफ़ंड स्टेटमेंट देख सकते हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया है, अगर किसी आपके रिटेलर को बैलेंस चाहिए तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद में उसने किस मोड से किया है ट्रांसफ़र ये दिखाई देगा, बैंक में किस मोड से किया है उसे ये दिखाई देगा, किस बैंक में किया है ये दिखाई देगा, ट्रांजेक्शन ID क्या है, उसकी अमाउंट क्या है, और यहाँ पर सबमिट कर देगा तो एडमिन पैनल पर वो पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिखने लगेगा। वो ट्रांजेक्शन ID हम कॉपी करके अपने रेजर में डाल देंगे, डायरेक्टली वो मैच करने के बाद में हम उसका बैलेंस अपडेट कर देंगे। तो ये हमारा रिटेलर पैनल बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है। अगर हम अभी आपको अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन दिखाते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन अगर आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो राउंड पे के नाम से प्ले स्टोर पे पड़ा हुआ है। हमारे सेल्स पर्सन से आप उसका यूज़र ID पासवर्ड ले सकते हैं, वो आपको दे देगा। मैं आपको ओवर भी ऊपर से दिखा देता हूँ कि कैसा आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगा। यहाँ पे आप राउंड पे डालेंगे, यहाँ पे देखिए राउंड पे आ गया,
पहला ये हमारे सारे क्लाइंट हैं, ये राउंड पे एक अप्लीकेशन आ गया, ये हमारा जो विंडो होगा ये आपका लॉगिन विंडो होगा, हमें आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे रिटेलर का, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे हम। यहाँ से ये हमारा डैशबोर्ड है, प्रीपेड का अलग रिचार्ज, पोस्टपेड का अलग, डीटीएच का अलग, लैंडलाइन का अलग, इलेक्ट्रिसिटी का अलग, बैलेंस चेक करना है क्लिक करके बैलेंस चेक कर लेंगे, रिचार्ज रिपोर्ट यहाँ से दिखाई देंगी आपको, स्पेसिफिक रिपोर्ट आपको देखनी है, किसी पर स्पेसिफिक मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रिचार्ज की रिपोर्ट देखनी है, डे बाय रिपोर्ट देखनी है देख लेंगे, लेजर रिपोर्ट यहाँ से देख लेंगे, फंड ट्रांसफ़र देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए बैलेंस चेक, प्रीपेड, पोस्टपेड, लैंडलाइन, यहाँ पे सब आपको क्लियर दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम रिचार्ज वाले पे आएंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ऑपरेटर आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, अमाउंट दिखाएगा और नीचे आपको ऑफर भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे बुक बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी उस कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी आप कॉन्टैक्ट उठा सकते हैं, या रिटेलर जो रिचार्ज करेगा वो रिचार्ज कॉन्टैक्ट में सेव भी कर सकता है। ये देखिए अब यहाँ से आपको डायरेक्टली सक्सेस फेल सब दिखेगा, डेट टाइम दिखेगा, ट्रांजेक्शन आईडी दिखेगी, बैलेंस कितना बचा हुआ है, ऑपरेटर कौन सा है, ऑपरेटर आईडी क्या है, स्टेटस क्या है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कोई भी रिटेलर डायरेक्टली यहीं से डिस्प्यूट लगा सकता है अगर रिचार्ज नहीं हुआ है तो। अब इसको ये देखिए लेज़र है, डेट वाइज लेज़र सक्सेस मार सर्च मार सकते हैं। तो ये हमारा पूरा पैनल, मैंने आपको एंड्रॉयड दिखा दिया, रिटेलर पैनल दिखा दिया, एडमिन पैनल, अथॉरिटी दिखा दिया। धन्यवाद।